इधर देखो चलो बाइट्स बाइट्स They'll ask you a question. You ask me. Yeah, I'll ask. Get excited of this movie. Are you excited to see the film? Say yes. Yes. सी हमेशा से एनिमेशन फिल्में जो हैं इंडिया में भी कोशिश हो रही है अच्छी बने बट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर जो क्वालिटी है एनिमेशन की दे आर मच बेटर बट आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो देर आर सर्टन फिल्म जो उस लेवल पर आने की कोशिश कर रही हैं तो यही चीज़ें हैं बच्चे भी देखते हैं और यू नो दे एन्जॉय बिकॉज बेसिकली तो ये आप बड़े हैं वो यू एन्जॉय इट एज अ फिल्म मेकिंग यू नो अगर स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो आप एक एनिमेशन फिल्म को भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि क्वालिटी क्या है उसकी टेक्निक की वजह से भी देखते हैं पर आई थिंक किड्स दे जस्ट एन्जॉय उनको सिर्फ मस्ती से मतलब है फिल्म अच्छी लगनी चाहिए स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए मज़ा आना चाहिए दैट्स इट यू नो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा ट्रेंड है बिकॉज ये एक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है मतलब एज एन एक्टर अगर मुझे ऐसा कुछ करने को मिले तो आई वुड लव टू डू इट बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर कॉम्पिटेंट एक्टर्स जब इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं तो फिल्म को भी एक अच्छा व्यूइंग मिलता है एक लोग पसंद करते हैं और जाने पहचाने एक्टर्स की वॉइस सुनने को भी मिलती है पूछो ना ही इज आस्किंग यू कि आपको कार्टून अच्छे लगते हैं देखना नहीं अच्छे लगते कार्टून देखते ही नहीं आप विच आर योर फेवरेट कार्टून सो से योर फेवरेट ऑक्टोनॉट्स से ऑक्टोनॉट्स इवन से ऑक्टोनॉट्स ही इज इनटू नॉट इन अमाउंट थैंक यू देखे कि नहीं
अच्छा ट्रेलर देखे थे आपने रेसिपी का, कैसा लगा था ट्रेलर आपको? बहुत अच्छा था। अच्छा लगा था, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सलमान सर को? All the best for race 3. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एज जब पार्ट वन रिलीज हुई थी तब मैं नहीं थी, बट आई एम वेरी कीन टू वॉच पार्ट टू। आई लव कार्टून्स बट नाउ आई डू वॉच डिज्नी चैनल, बट समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग कार्टून मूवीज लाइक टीन टाइटन्स गो एंड डिज्नी एंड अदर डिज्नी मूवीज। हाँ, किस तरह का अभी मुलाकात होती है? अभी सीरियस में आप तो मेरी नहीं है, देखा जाता है तो मिस करती है उन दिनों। मैं जा रही हूँ, एज माय वेकेशंस आर गोइंग ऑन, मैं शूट पर जा रही हूँ, तो वी मीट ऑफिस। हाय, थोड़ा सा और आगे आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड फॉर, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग फिल्म कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दिस इज गॉट एवरीबॉडी हाइप्ड अप। क्या कहना चाहोगे कि ही ओके ही इज अ लिटिल फ्लक्स, ही इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द, सो एक्चुअली वी वर नॉट सपोज टू कम हियर टुडे, बट जब मुझे पता चला था कि इट्स इनक्रेडिबल्स, मैंने सिर्फ बता दिया बच्चों की कि आज शायद बिकॉज द ट्रायल इज अ लिटिल अर्ली, तो बोला कि डैडी आप शूटिंग छोड़ के जल्दी आ जाइए, बिकॉज वी हैव टू सी दिस मूवी, वी हैव टू सी दिस मूवी, वी हैव टू सी दिस मूवी, बिकॉज पहली बार हमने देखा था एंड वी कंसिडर आर सेल्व द इनक्रेडिबल्स फैमिली, है ना, वी ऑल सी आर सेल्व इन दैट रोल एंड ऑल दैट। तो वेल वी आर हियर फॉर द मूवी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इट इज अबाउट। I know it's always Disney makes all these fantastic movies with you know good humor and good animation, so looking forward to it, definitely looking forward to it. Thank you so much. Yeah, thank you. आगे हो? रोल है? रोल, रोल। क्या कहना चाहेंगे? कितना एक्साइटेड है? ऑब्वियसली यार। फैमिली टाइम हम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। ऑब्वियसली इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली दिस पार्ट हैज। सो एक्साइटेड हाउ द बेबी डज। एंड आई थिंक इट्स थर्ड और फोर्थ टाइम, आई थिंक शी इज थर्ड टाइम आई थिंक यू आर वाचिंग अ फिल्म, ना? फर्स्ट वाज पापास फिल्म एंड देन दिस इज द थर्ड फिल्म। थर्ड फिल्म शी इज वाचिंग, सो दे I know, it's a testing time for us also, maybe. आए दिन अब देखा जा रहा है कि कार्टून्स की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि होमवर्क नहीं करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे बच्चे। इसका मैं क्या कहूँ? इसे पहले दिखा रहे हैं इसको, होमवर्क की बारी नहीं है अभी तक, अभी स्टिल टाइम, सो बट शी शुड एंजॉय। और बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं, उसके लिए होता है, आप एंजॉय भी करने दें उनको और उसके बाद होमवर्क भी, तो आई थिंक कुछ टाइम के बाद ना हम पिक्चर देखने को मिलेंगी, नहीं बाहर जाने को मिलेगा, इतना प्रेशर आ जाएगा, सो दिस इज राइट टाइम टू वॉच फिल्म्स आई थिंक। या थैंक यू।